सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। गाइज देखिए, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपका नेवी MR का सेकेंड सेट के गाइज क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। वो भी गाइज मैंने लिख रखे हैं, थोड़ा सा फास्ट किया है। तो गाइज यहाँ पे बिना टाइम लेते तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करना, और फर्स्ट टाइम वीडियो पे विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट सेट के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल पे जा रहे हैं तो वहीं पे जाके देख सकते हो। सो डिस्कस करते हैं यहाँ पे इस सेट के कुछ क्वेश्चंस। और गाइस देखिए, पेपर काफ़ी इजी आ रहा है, पेपर बिल्कुल इजी आ रहा है। यहाँ पे राइटिंग पे एक भी मत जाना, क्योंकि मैं खुद एक कैंडिडेट, आज खुद के ब्रदर का, अपना तो एग्ज़ाम नहीं है, मैंने MR का नहीं फिल किया था, आप सभी को बताया भी था, मैं खुद अपने ब्रदर का एग्ज़ाम देने, मतलब उसका दीवाने जा रहा हूँ, उसके साथ पे ही हूँ तो बाहर हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा लाओ कुछ क्वेश्चंस टाइप करके नहीं, ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो मैं फिर यहाँ पे आपके लिए मैंने लिख दिए हैं फास्ट से, तो रास्ते पे था बट मैंने कहा लाओ कर देते हैं। EVM का फुल फॉर्म आया है, आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हिंद स्वराज नामक बुक किसने लिखी? देखिए, बुक से भी क्वेश्चन आ रहा है हर एक शिफ्ट पे। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 पे इसरो की स्थापना हुई थी। डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप हो सकता है डूरंड कप हो सकता है, बट यहाँ पे डेविस कप पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल के CM, हिमाचल प्रदेश है गाइज, उसके यहाँ पे CM मतलब चीफ मिनिस्टर आस कर लिया गया है आपसे, तो आपको पता होगा जयराम ठाकुर है। साइन थीटा की वैल्यू इतना है, तो टेन थीटा की बेसिकली आप लगा सकते हैं, साइन थीटा की तो वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, ABC पाइथागोरस प्रमेय से 3 और 5 साइन थीटा लंबा टेकण होता है, 5 टेन थीटा 3/4 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? गाइज नेशनल पार्क मानस से, इससे पहले वाली शिफ्ट में पेरियार से आया था, पेरियार भी आपसे पूछ सकता है, तो केरला पे है, ठीक है, केरला पे। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, तो कैंडेला होता है। BC राय पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो गाइज इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है बट आया हुआ क्वेश्चन है इसी टाइप में कुछ। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट 1914 टू 1948 चला था, 1918 तक, और उसके बाद अगर बात करूँ दूसरा तो 1939 से 1945 तक। और देखिए, ये क्वेश्चन है 3x + 7y बराबर इतना, 7x + 3y बराबर इतना, तो x और y की वैल्यू बताइए। कुछ नहीं, सिंपल है, xy का आपस में गुणा उड़ा करा के xy को काट पीट देना, तो वैल्यू आपका निकल आता। इंडियन नेशनल ट्री, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करने चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हो, ठीक है। और भी कोई डाउट होता हूँ बेझिझक आज करना, आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। एंड आपको गाइज निकलता है मेरा ब्रदर एग्ज़ाम देके, तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन शेयर करता हूँ, ऑलमोस्ट 30-35 क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहना। मिलता हूँ, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।